कैसे हैं आप सब? आशा है मुझे सब आप सब अच्छे होंगे और अच्छे कर अच्छा काम कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक क्विज लेकर आई हूँ। ये एक ई क्विज सीरीज है लाइफ साइंसेस पे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाइफ साइंसेस की क्विज देने में वो इसे दे सकते हैं। ये बॉटनी के रिगार्डिंग क्विज है और नेशनल लेवल पे कंडक्ट करी जा रही है। सिलेबस के रिगार्डिंग ये नेट और सेट का सिलेबस इसमें आ रहा है। वैसे मैंने दी है, इसके क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के हैं और अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। कोई ऐसा क्लास वाइज क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर हम इसके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग सोचते हैं तो ये क्विज में ई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे। जिन बच्चों के स्कोर या जिनके स्कोर 50% से अबव आएंगे उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इस क्विज का, आप वहां से जाके दे सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, ये कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है क्विज। इसमें आपको क्या करना है, जो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, तो आपको ये के फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऊपर। फिर जब आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो आपको यहाँ पे थोड़ी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि ईमेल एड्रेस, नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस और मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस में आपको वो ईमेल एड्रेस देना है जिसमें आपको अपना आप अपना ई सर्टिफिकेट मंगवाना चाहते हैं। जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ देंगे उसी ईमेल एड्रेस पे आपका सर्टिफिकेट जाएगा। तो आप एक वैलिड ईमेल एड्रेस दें। नाम आप अपना सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दें, जैसा आप अपना सर्टिफिकेट पे चाहते हैं, और डेजिग्नेशन वो ही दें जो आपकी है, क्योंकि वो भी सर्टिफिकेट पे मेंशन होकर आएगी। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं या यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। अगर आप कोई फैकल्टी है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, या आप कहीं काम करते हैं तो आप वहाँ का नाम दे सकते हैं, और डेजिग्नेशन भी एज पर सुइटेबल रिस्पेक्टिवली अरेंज होगी। मोबाइल नंबर आप कोई भी वैलिड मोबाइल नंबर दे सकती हैं, एज सच मोबाइल नंबर का इसमें कोई यूज नहीं है। यहाँ पे जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज के लिए डायरेक्ट हो जाते हैं जिसमें आपकी क्विज खुल जाती है। अब आप सेक्शन ए है क्विज में, जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे सारे फिल करेंगे जब ही आप नेक्स्ट कोर्स पे जा सकते हैं। एज सच कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्विज में। अब जैसे कि मैंने आंसर मार्क कर दिए हैं इसके, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। तो ये देखो, ये वाला रह गया था तो ये इसने कहा है करने के लिए। और फिर अब जब सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे जब ही हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके अब हमारे पास ये और क्वेश्चंस खुल गए हैं सेक्शन बी, जिसमें कि हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं। हमें इन्हें फिल करना है, फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन सी खुल जाएगा। सेक्शन सी में भी क्वेश्चंस हैं, 20 तक क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 क्वेश्चन सेक्शन सी में हैं। तो ये सब आपको फिल करने हैं। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के लिए डायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, व्यू स्कोर आ रहे हैं, मतलब कि आपके क्विज ख़त्म हो चुकी है। आपके क्विज में 20 क्वेश्चंस थे और 3 सेक्शंस थे इस क्विज में केवल। जब आप व्यू स्कोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने स्कोर आए हैं। देखो यहाँ पे विजिबल है, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर आए हैं। और ये फिर आपको यहाँ पे पेज खुल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक गए हैं, कितने गलत गए हैं। कुछ थोड़े टाइम बाद, 10-15 मिनट बाद, आपको पास सर्टिफिकेट आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, जो कि आपने फॉर्म के स्टार्टिंग में दी थी। ये जैसे मैंने क्विज अटेम्प्ट करी थी और मेरी रजिस्टर आईडी पे 10-15 मिनट बाद ये सर्टिफिकेट आ गया था। यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो आपने डेजिग्नेशन दी होगी वो आएगी, जैसे मैंने स्टूडेंट दी थी तो स्टूडेंट आई है। उसके बाद जो भी आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस दिया था वो आएगा, जैसे कि अगर सपोज आपने ABC कॉमा आदर्श नगर ऐसे करके कुछ दिया था तो वो पूरा लिखा हुआ आएगा यहाँ पे आपका, तो आपको उसी हिसाब से देना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके ग्रेड आएंगे, परसेंटेज जितनी आपकी आई है, जैसे मेरे पूरे ठीक गए थे तो मेरे 100% आए हैं। और यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट आईडी आएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बॉटनी की क्विज देने में तो आप लोग इसे दे सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हो
इस टाइप के अपडेट्स और आप और लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप फ्यूचर में क्या अपडेट रखना चाहते हैं। और किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम फेस हो क्विज देने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।